कंगना अब तुम्हारा असली चेहरा देखो। जैसे ही मैं घर से भागी, डेढ़ दो साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीन एजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। तुम जब बॉलीवुड में आई मैं भी आई थी। तुम्हारा सिर्फ एक ही नेचर है, जब तुमको कोई सुनता नहीं तो तुम बड़बड़ बड़बड़ करने लगती हो, ठीक है, सबकी बुराइयां करने लगती हो। बॉलीवुड ने तुमको दिया, तुम्हारा ये गंदा नेचर है कि तुम शादीशुदा आदमियों की जिंदगी में जाती हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे आदित्य पंचोली हो, चाहे एक्स वाई जेड हजारों आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ गए, ठीक है, सब शादीशुदा आदमी की जिंदगी में तुम जाके उनका घर बर्बाद करती हो और फिर करते हो इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरी ली, इसने मुझे पेला, ठीक है। तुम्हारा गंदा नेचर है। आज तुम जो लटक रही हो ना बीच में, सब तुम्हें बॉलीवुड के सारे हीरो, सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर तुमको पेला है बुरी तरह से, समझ गई। तो महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश मत करो।